नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। शिवसेना ने संघ के मुखपत्र को कहा मूर्ख पत्र। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे दक्षिण एशिया के एक मानचित्र में जम्मू कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान में दिखाए जाने से शिवसेना खासी नाराज है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को मूर्ख पत्र करार दिया है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि ऑर्गेनाइजर ने कश्मीर को पाकिस्तान के जबड़े में डाल दिया है। हमेशा राष्ट्रीयता का ज्ञान देने वाला संघ का मुखपत्र असल में मूर्ख पत्र साबित हुआ है। भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार को बड़ी सफलता। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर संघ से जुड़े संगठनों से भी आलोचना झेल चुकी मोदी सरकार के लिए शुक्रवार का दिन कुछ राहत भरा रहा। संघ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक बुरा नहीं है और सुझाव दिया कि इसके मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। संघ के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि सरकार द्वारा विधेयक में संशोधन किए जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि यह बुरा है। सरकार की संसद में फिर किरकिरी। संसद में सरकार को दूसरी बार किरकिरी का सामना करना पड़ा जब वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में विपक्ष ने लोकसभा में आम बजट पर चर्चा शुरू करने से इनकार कर दिया और सरकार को विपक्ष के आगे झुकते हुए इस चर्चा को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष ने भ्रष्टाचार और काले धन के बारे में अपने एक संशोधन को पारित करवाकर सरकार को शर्मिंदा किया था। पार्क स्ट्रीट बलात्कार पीड़िता की मौत। पार्क स्ट्रीट बलात्कार पीड़िता की शुक्रवार को कोलकाता के एक अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता के साथ फरवरी 2012 में चलती कार में बर्बर तरीके से बलात्कार हुआ था, जिसके बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था। संयुक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पल्लव कांति घोष ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कुछ दिन पहले उन्हें सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी बीमारी के संबंध में अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। गौरतलब है कि पार्क स्ट्रीट इलाके में 6 फरवरी 2012 को पीड़िता के साथ चलती कार में 5 व्यक्तियों ने बलात्कार किया था। इस वारदात के 3 आरोपी जेल में है, जबकि मुख्य आरोपी सहित 2 अन्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर बने मजाक। आम आदमी पार्टी में जारी खींचतान पर सोशल मीडिया पर काफी चुटकियां ली जा रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर कुछ इस तरह मजाक चल रहा है। केजरीवाल ने कहा था कुछ गलत हो तो उसे फोन में रिकॉर्ड कर लेना। पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने तो उनकी बात गंभीरता से ले ली, चिट्ठा ही खोल दिया। केजरीवाल और राजेश गर्ग की बातचीत वाली टेप असली नहीं हो सकती। इतनी लंबी बातचीत में केजरीवाल ने एक बार भी खांसी नहीं की, इस बात की जांच जरूरी है। आप सिर्फ 3 चीजों पर चलती है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बहुमत इसलिए दिया गया है ताकि 5 साल वे लोग पार्टी में अंदरूनी कलह पर डिबेट कराकर जनता को इसकी सूचना देते रहे। आप में इसी तरह कलह बढ़ता रहा तो जल्दी ही पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी से अरविंद अकेला पार्टी रखना पड़ेगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।